हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KBS पर। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे देख रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी की जाए कराई जाती है, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिलॉक्स। ठीक है, न्याय निगमन बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और एक एक टाइप डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक एक टाइप जो है, आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन दें तो आसानी से आपको पता लगे कि ये तो मैंने पढ़ रखा है। और मैं इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा आपको करने की, आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दिमाग में ही उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, और जिन बच्चों को PDF चाहिए तो ये जो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हैं वो इससे ज्वाइन हो जाएंगे और मेरे को एक मैसेज करेंगे कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इसे देख लेगी और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये है सिलॉजिज्म। ठीक है, न्याय निगमन। तो अच्छा देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें मैं आपको कैसे भी क्वेश्चन बना के दूंगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे दे देता हूँ कि सम डॉग्स आर कैट, सम बुल्स आर एलिफेंट, तो बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे, सर आपने जो है डॉग को कैट कैसे बना दिया। ठीक है, तो बच्चा इसमें ऐसे नहीं होता है। तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं। आप इसको क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका जो क्वेश्चन लेवल है वो होता है इस तरीके से। कई बार बच्चे जो है इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मैं पूरा बेसिक लेवल से, पूरे जीरो से भी, मतलब माइनस लेवल से लेके चलूंगा और अपर लेवल तक पूरा पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, इस लेवल पर आपका जो सा भी एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली इसमें क्या होता है। इसमें स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है, एक तो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एक तो होता है इसमें स्टेटमेंट। ठीक है, एक तो होता है इसमें स्टेटमेंट। ठीक है, और एक आपका क्या होता है? कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है आपका कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट जो है आपके, देखो कितने टाइप के होते हैं स्टेटमेंट जो है आपके, चार टाइप के होते हैं, जिसमें से आपके जनरली जो मेन तो मेन टाइप है आपके वो है ये। कौन कौन से? एक तो आपका क्या होता है? यूनिवर्सल, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? 100% ट्रू। ठीक है, 100% ट्रू। ठीक है, बात समझ आए? और ये आपका आता है पर्टिकुलर। क्या होता है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब लेस देन 100%, तो 100% से कम इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी या फिर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, 100% इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? 100% इन्फॉर्मेशन, 100% इन्फॉर्मेशन और लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ आए? तो इसमें भी आपके दो टाइप निकलते हैं। कौन कौन से दो टाइप निकलते हैं देखेंगे ध्यान से, मैं इसको टाइप को अलग से दिखाता हूँ। देखो, इसके भी आपके दो टाइप बनते हैं अलग से। कौन कौन से बोलेंगे? एक तो आपका यहाँ पे बनता है ऑल। क्या बनता है? एक तो आपका बनता है ऑल, सेकंड बनता है आपका नो। 100% में आपके दो बनते हैं, ऑल और नो। ठीक है, और ये जो लेस देन 100% है कंडीशन, इसमें आपके बनते हैं दो। कौन सा? एक तो सम बनता है आपका और एक नो के लिए बनेगा आपका सम नॉट। ठीक है, पॉजिटिव है तो उसके लिए सम बना, नेगेटिव है तो उसके लिए सम नॉट बना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ऑल का मतलब और नो का मतलब होता है 100% इन्फॉर्मेशन। अगर कहीं पे आपने लिखा दिखा है सम या सम नॉट, तो उसका मतलब क्या है? लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन, मतलब 100% से कम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो कितनी भी हो सकते हैं, चाहे वो 90% बोल दो, 95% बोल दो, 2% बोल दो, तो इट डजेंट मैटर, बस वो सम है। ठीक है, सम को हम परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो परसेंटेज है उसको हम सम में, अब जैसे 50% बोला तो आप बोलोगे ना हाँ सम है कि नहीं? अगर 75% है तो आप क्या बोलोगे? सम है। बट लेकिन सम को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते कि सम कितना हो सकता है, क्योंकि सम 99.99% भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो सम और सम नॉट को आप डिफाइन नहीं कर सकते परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज को आप सम और सम नॉट में डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन से मैंने पॉइंट बताया आपको? जनरली इन्हीं पॉइंट पर आपको क्वेश्चन देता है, फर्स्ट सेकंड ऑल नो, आपका सम और ये सम नॉट। ठीक है, तो ये आपके चार स्टेटमेंट्स हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो एक तो आता है आपका ऑल वाला होता है, एक नो वाला होता है, एक सम वाला होता है, एक सम नॉट वाला होता है। कुछ और स्टेटमेंट्स और आपको कुछ अलग से स्टेटमेंट मिल जाते हैं, देखेंगे कौन कौन से है वो है आपके, एक तो आपका मिल जाता है ओनली ए इज बी। ठीक है, एक तो आपका मिल जाता है ओनली ए इज
बी क्या मिल जाता है, एक तो ओनली ए इज बी, ठीक है, अगला आपको क्या मिल जाएगा, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए इज बी, या फिर ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। तो देखो एक तो आपका ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, ओनली ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है। तो ये 6 तरीके के आपके जो है स्टेटमेंट्स एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ और भी स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे सम एप्पल्स आर बनानास विच आर, या फिर सम एप्पल्स आर बनाना विच आर जो है मैंगोज डजेंट पैरेट, तो कुछ इस तरीके से आपके आते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जनरली आप जो है एग्जाम में इन्हीं तरीके के जो छः छः स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इन्हीं को जो है आप देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बात बताई है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो कंक्लूजन है इसमें आपके आते हैं आपके टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, बात समझ आ रही है, क्या बोला मैंने आपको, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहला, तो एक तो आता है आपका फॉलो कह लो, इसको फॉलो भी बोलते हैं, तो मतलब आपका हो गया 100% ट्रू। कंक्लूजन आपके 3 तरीके के होते हैं, एक तो 100% ट्रू, और एक 100% आपका क्या होता है, फॉल्स, ठीक है, एक होता है 100% फॉल्स, और तीसरा जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 100% फॉल्स का मतलब होता है डजेंट फॉलो, ठीक है, क्या हो गया, डजेंट फॉलो, इसको हम बोलेंगे डजेंट फॉलो। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया आपका, मे बी फॉलो, क्या हो गया बोलो, मे बी फॉलो, बात समझ आ रही है। तो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में आपके 3 तरीके के कंक्लूजन बनते हैं, कौन कौन से, फॉलो 100% जो ट्रू होते हैं, डजेंट फॉलो जो 100% फॉल्स होते हैं, मे बी फॉलो जिनमें पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है, ठीक है, कि वो फॉलो हो भी सकता है और फॉलो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में इसमें देखिए मैंने जनरली यहाँ पे आपको बता दिया है, तो वो आपके इस तरीके से बनेंगे। देखिए पहला तो आपका बनेगा ऑल स्टेटमेंट, देखो किस तरीके से बनेगा, ऑल ए आर बी, ठीक है। अगला अगला देखो क्या बनेगा आपका, अगला आप लिखेंगे 100% के केस में नो ए इज बी, ठीक है। अगला आप क्या लिखेंगे इसमें, बहुत से जितने भी बैंकर्स हैं वो मैक्सिमम इसको वेन डायग्राम से बनाने का सोचते हैं, ठीक है, तो जिनको अच्छे से बनाना आता है सही है, लेकिन ये उससे भी आसान तरीका है, तो मे बी हम क्योंकि ये आसान तरीका निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए आप इसको जो है इस पर जितना जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप काम करेंगे उस पर आप माहिर हो जाएंगे और उसको ही कम समय में निकाल पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला आता है सम ए इज बी, अगला क्या आता है आपका, सम ए इज बी, देन अगला आप क्या लिखेंगे, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी हो गया आपका, अगला आप क्या लिखेंगे, सम ए इज नॉट बी, अगला आप लिखेंगे, अकेला मैंने पांचवा छठा बताया था आपको, ओनली ए इज बी, अगला आप लिखेंगे ओनली ए इज बी, अगला आप क्या लिखेंगे इसमें, ओनली अ फ्यू ए आर बी, क्या लिखेंगे आप, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, क्या लिखेंगे, 6 आपका स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। अब देखिए पहले जो हम सीखने जा रहे हैं बच्चों वो है, जैसे मैंने आपको 3 बताए थे कंक्लूजन, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी, तो पहले जो हम सीखने जा रहे हैं वो आपका है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन हम पहले सीखेंगे 100% ट्रू वाला, ठीक है, 100% ट्रू वाला हम पहले देखेंगे, तो आप हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे 100% ट्रू, जो 100% ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी जो कंक्लूजन है, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब चाहिए आप इसे रूल मान लीजिए चाहे कुछ, ठीक है, बट ये रूल है नहीं, जिन बच्चों को रूल लगेगा ठीक है, बट लेकिन कुछ तो पॉइंट लिखने पड़ेंगे या फिर पॉइंट्स बना के लिख लेंगे आप। यहाँ पर ध्यान से समझना कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया और ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से आपका नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा और यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, ठीक है। अगला रूल, ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है, अगला आप लिखेंगे रूल नंबर 2,
रूल नंबर टू लिखेंगे यहाँ पर आप। रूल नंबर टू क्या कह रहा है कि ऑल, ऑल का मतलब समझे, हंड्रेड को, हंड्रेड को हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, मतलब सम लिख सकते हैं। बट सम मतलब 50 को हम जो है हंड्रेड मतलब ऑल ठीक है नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है, ऑल या फिर नो, क्योंकि हंड्रेड तो आपका ऑल और नो दोनों ही होता है। तो जो हंड्रेड है उसको देखो, जैसे कि अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे, 50 रुपये मुझे दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप जो है 50 को 100 बना सकते हैं, बट लेकिन जनरली अगर किसी को दिया जाए तो वो 50 का 100 नहीं बना पाएगा। बात समझ आ रही है ना। देखो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कुछ बच्चे कहेंगे सर हम क्यों नहीं बना पाएंगे, आप हमें दीजिए हम बना देंगे। देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। इस कॉन्सेप्ट को समझने पर आपका जो है, आपके 5 क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में एकदम रख ही रखा है ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, जितना तेज बना लो, कितने कम समय में आप उसको कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो बनता जाएगा। तो ये समझने का एक तरीका है क्या, कि 100 को आप 50 लिख दो, 100 को हम 50 लिख सकते हैं, बट लेकिन जो सम है मतलब जो आपका 50 है उसको हम 100 नहीं बना सकते ठीक है। जो 50 है उसको हम 100 नहीं बना सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है। तो मैं जो है आपको कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जैसे वन लाइनर है, पहले हम क्या देखिए, जो आपका स्टेटमेंट है मैं आपको वन बाय वन करके इंक्रीज करता हुआ चलूंगा। पहले एक स्टेटमेंट दूंगा, एक कंक्लूजन दूंगा, कुछ इस पर प्रैक्टिस होने के बाद 5 6 10 क्वेश्चन के होने के बाद, देन 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, देन 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए तो स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तक थे रूल, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। चलिए चलिए, तो यहाँ पर मैंने दिया है आपको स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया आपको, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ऑल बॉयज आर इंजीनियर। तो इसको हम जनरली शॉर्टकट में लिखेंगे ER ठीक है। देखो कंक्लूजन में आपको क्या दे रखा है, कंक्लूजन में आपको क्या दे रखा है, सम बॉयज आर इंजीनियर ठीक है। क्या दे रखा है आपको, सम बॉयज आर इंजीनियर, तो इंजीनियर को मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है, सम बॉयज आर इंजीनियर। बात समझ आ रही है। देखो पहला ही आप इसको चेक करने की कोशिश करो, देखो देखो यहाँ पर ऑल बॉयज आर इंजीनियर, तो यहाँ पे देखो ऑल का मतलब क्या हो गया, देखो ऑल का मतलब हो गया 100 ठीक है, और इंजीनियर जो भी पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो इसके लास्ट में हमेशा, जैसे ये पॉजिटिव है तो लास्ट वाला आपका जो है 50 रहेगा, क्योंकि इसके आगे और नहीं है और कुछ नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो 50 रहेगा ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब आप ये देखो बॉयज है, बॉयज सम है, सम के अकॉर्डिंग आपका 50 हो गया, यहाँ पे जो है पॉजिटिव है और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है तो हम 50 मान लेते हैं। तो ध्यान से समझना इसको, देखो 100 को हम 50 लिख सकते हैं, मतलब बॉयज को ये 100 था तो इसको 50 लिख दिया हमने, इंजीनियर तो 50 था तो उसको हमने 50 लिख दिया, इसका मतलब क्या, और नेगेटिव तो ये स्टेटमेंट है नहीं, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा ठीक है। तो यहाँ देखो 100 से हमने 50 बना दिया, बिल्कुल सही है, और ये 50 था तो 50, और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, इसका मतलब ये सही है, मतलब सम बॉयज आर इंजीनियर। और शायद ही अगर इसका आपको जो है इस तरीके से दे देता, किस तरीके से, कि सम इंजीनियर्स आर बॉयज, सम इंजीनियर्स आर बॉयज, तब भी आपका सही है, ये इंजीनियर 50 है और बॉयज आपका जो है यहाँ पर 50 है, तब भी आपका सही है ठीक है। तो ये जो पहला वाला आप जो स्टेटमेंट देख रहे हो उससे 2 कंक्लूजन निकलेंगे, एक तो आपका ये वाला और ये आपका ये वाला, दोनों ही आपके सही है ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन दो मैं आपको, चलिए एक स्टेटमेंट आप और लिखेंगे, छोटे छोटे स्टेटमेंट से आप आगे बढ़ेंगे। अगला अगला आप लिखेंगे इसमें, चलिए अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, सम बॉयज आर इंजीनियर लिखेंगे आप, सम बॉयज आर इंजीनियर ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे। चलिए कंक्लूजन लिखेंगे हम इसमें, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, क्या लिखेंगे हम इसमें, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, क्या लिखेंगे हम इसमें, ऑल बॉयज आर इंजीनियर ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझना है इसको। देखिए
सम वाइज है, तो सम है तो उसके अकॉर्डिंग ये 50 हो गया, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो लास्ट में आपका 50 होगा, क्योंकि इसके पहले ऑल नहीं लगाए तो 50 माना जाएगा। अब ये भी देखो, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ऑल नहीं लगा तो 50 होगा, लेकिन ये ऑल है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 100। ध्यान से समझना, जो दिया है हम उसी से ही बनाएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने आपको 50 दिया, आप 100 नहीं बना सकते, तो ये बॉयज है 50, किसको बना दिया 100, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ आए, क्यों फॉलो नहीं करेगा? क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि ये आपका बॉयज है 50 है, ठीक है, ये 50 है आपका, और ये 50 को आप जो है 100 नहीं बना सकते, और 100 नहीं बना सकते इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आप उसका 50 बना देंगे। लेकिन अगर आपको 50, ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, मैंने आपको 50 दिया, आप उसका 100 नहीं बना पा सकते, ठीक है। अगर आप 100 बना देते तो आज आप अंबानी की जगह होते, नौकरी के लिए नहीं भटक रहे होते, या तैयारी नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये 50 को हम 100 नहीं बना सकते, इसलिए आपका गलत, तो आप यहीं पे देख के गलत कर सकते हो। बॉयज है आपका 50, और यहाँ पे जो बॉयज है आपका ऑल, ये आपका हो गया 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत, इससे पहले वाला क्या था सही है, ठीक है। अगर मैं पहले वाला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इससे दो कंक्लूजन निकल सकते हैं, कौन कौन से देखो, दो नहीं एक ही निकलेगा। एक तो सम बॉयज आर इंजीनियर आपको दे रखा है, दूसरा आपका ये निकल सकता है कि सम इंजीनियर्स आर बॉयज, क्या निकल सकता है इससे, सम इंजीनियर्स आर बॉयज। अब देखो यहाँ पे जो सम है, सम के अकॉर्डिंग इंजीनियर भी 50 है, और बॉयज के क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इसके आगे पीछे ऑल तो लगा नहीं है, इसलिए ये भी 50, तो यहाँ भी 50 था बॉयज, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी इंजीनियर 50 था, यहाँ भी इंजीनियर है, तो कोई चेंज नहीं आया है। यानी कि इसको, ये जो पहले वाले स्टेटमेंट है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ये कंक्लूजन में होता तो ये आपका राइट हो जाता, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से देता हूँ, और यहाँ से हमारे एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं शुरू। तो अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तो एग्जाम्पल्स थे कुछ मैंने आपको कराए, अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो आप सभी को लिखना आ गया है, तो मैं यहाँ पे केवल और केवल स्टेटमेंट इस तरीके से लिख देता हूँ, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ। स्टेटमेंट हो गया आपका, ठीक है, स्टेटमेंट आपका क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, क्या लिखेंगे आप, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए ऑल मैंगोज आर एप्पल, अब इसी के ऊपर कंक्लूजन्स हैं कुछ आपके, तो वो आपको फॉलो करने हैं कंक्लूजन्स, ठीक है। कंक्लूजन्स देखिए क्या क्या है, उसको आप लिखेंगे, फर्स्ट एंड देन सेकंड, थर्ड देन फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ, तो ये पांच ही कंक्लूजन हम आपको देते हैं। पहला लिखेंगे सम एप्पल आर मैंगो, तो मैं इसको जो है सिंपल थोड़ा सा ही लिखूंगा, सम एप्पल आर मैंगो, इस तरीके से शॉर्टकट, ठीक है, सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है। अगला लिखेंगे ऑल एप्पल आर मैंगो, अगला कंक्लूजन लिखेंगे ऑल एप्पल आर मैंगो, अगला आप क्या लिखेंगे, ऑल एप्पल आर मैंगो, अगला आप लिखेंगे सम मैंगो आर एप्पल, क्या लिखेंगे आप, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे नो मैंगो इज एप्पल, ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें नो मैंगो इज एप्पल, ठीक है। अगला कंक्लूजन आप लिखेंगे इसमें नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो, कुछ और भी लिख लो, मे भी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगला आप लिखेंगे सम मैंगो आर नॉट एप्पल, क्या लिखेंगे आप, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, क्या है, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, ठीक है। आई होप आपका कोई भी इसमें कोई भी जो आपके मन में चल रहा होगा वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, देखिए ऑल मैंगोज आर एप्पल, अब देखो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ऑल मैंगोज आर एप्पल, आपको क्या दिखाई दिया, पहला एक तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो इससे आपके दो कंक्लूजन निकलेंगे, कौन सा बोलो, देखो ऑल है तो ये आपका पूरा 100 है, ये एप्पल है प्लस का तो ये आपका 50 है, तो 100 को 50 बनाया जा सकता है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, कि सम मैंगो आर एप्पल, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सम एप्पल आर मैंगो, लिख सकते हैं सम एप्पल आर मैंगो, क्योंकि ये भी 50, ये भी 50, मैंगो भी 50,
और इधर एप्पल भी 50। तो ये जो मैंगो आप देख रहे हैं इसको मैंने 50 बना दिया है, तो बनाया जा सकता है 100 को 50 बनाया जा सकता है, लेकिन एप्पल को मैंने कहीं पर भी 100 नहीं बनाया है क्योंकि हम 50 से 100 नहीं बना सकते। तो यानी ऊपर वाला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो उससे आपके केवल और केवल दो कंक्लूजन निकलेंगे, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको जल्दी करने के लिए ये भी है, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जितने भी नेगेटिव है वो सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। कौन कौन से देखो नेगेटिव है, एक तो फोर्थ आपका नेगेटिव है, फिफ्थ नेगेटिव है, सिक्स्थ नेगेटिव है और आपका सेवन्थ नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव है तो इसलिए ये तो ऐसे ही रॉन्ग होंगे। ठीक है, बात समझ आए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सम एप्पल आर मैंगो, यहाँ पे एप्पल क्या है 50 है आपका, मैंगो यहाँ पे 50 है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑल एप्पल आर मैंगो, देखो एप्पल आपका 50 है, इसको मैं 100 नहीं बना सकता हूँ, तो एप्पल यहाँ पे उसने दे दिया 100, एप्पल उसने क्या दे दिया 100, जो कि हो जाएगा गलत, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे गलत हो गया, बाकी क्यों चेक करोगे क्योंकि ओवरऑल तो गलत ही आने वाला है। अब यहाँ देखो सम है मैंगो के ऊपर कितना हो गया 50, अब एप्पल के आगे प्लस है तो यह हो गया 50, तो मतलब मैंगो भी 50 एप्पल भी 50, मतलब आपका थर्ड सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, क्या लिखेंगे आप ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। आई होप आपका जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने क्या बताने को कहा, इसमें जो बताने को कहा केवल आपको वही बताना है, मैंने इसमें आपसे पूछा है क्योंकि अभी हम काम किस पे कर रहे हैं 100% ट्रू कंक्लूजन पर, तो वही मैंने आपसे इसमें पूछा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं, चलिए अब हम देखेंगे अगला। तो अगला देखिए क्या है, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है देखिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे, स्टेटमेंट है आपका, ठीक है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में देखिए क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, क्या है आपका, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए तो यहाँ पे मैं इसके कंक्लूजन लिख देता हूँ, ठीक है कंक्लूजन यहाँ पे भी लिख देता हूँ। कंक्लूजन देखो क्या क्या है, पहला कंक्लूजन इसमें क्या आता है, पहला आता है आपका सम कैट आर डॉग। ठीक है, पहला आप लिखेंगे सम कैट आर डॉग। ठीक है, अगला अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल कैट आर डॉग, अगला आप लिखेंगे ऑल कैट आर डॉग। ठीक है, अगला आप क्या लिखेंगे इसमें, ऑल डॉग आर कैट, जितने भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी बनती है ना उन सभी को लिख दो, ऑल डॉग आर कैट। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, नो कैट इज डॉग, क्या लिखेंगे आप, नो कैट इज आपका क्या हो गया, डॉग हो गया। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे, सम डॉग आर नॉट कैट, क्या लिखेंगे आप, सम डॉग आर नॉट कैट। अगला आप लिखेंगे इसमें सम कैट आर नॉट डॉग, मतलब सारी हमने लिख दी पॉसिबिलिटी, सम कैट आर नॉट नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए तो इसको आप जो है फटाफट सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आगे देखिए। तो सम डॉग्स आर कैट्स, तो पहली बात तो हमें ये पता चला कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो लास्ट वाला जो है आपका 50 रहेगा, और सम के इसके आगे सम लगा तो ये भी 50 है, तो ये भी 50, ये भी 50, तो इससे एक तो ये बन सकता है कि सम डॉग्स आर कैट्स, और दूसरा आपका क्या कंक्लूजन बन सकता है, कौन सा बोलो, सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका रिवर्सिबल है, सम डॉग्स आर कैट्स और सम कैट्स आर डॉग्स, क्योंकि ये भी 50 और ये भी 50, तो 50-50 आपस में इंटरचेंज है, मतलब हम ये बात कह सकते हैं अगर कंक्लूजन में कहीं डॉग को ऑल बना रखा होगा, 100 का रखा होगा, या कैट को 100 का रखा होगा, तो वो वहीं पे गलत हो जाएगा। तो पहले तो आप यही देख लो कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है आपका ये है, ये है आपका, और ये, तो ये चारों गलत हो गए, तो अब आपका और भी ज़्यादा ईजी हो गया है करना। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे सम कैट आर डॉग, तो ये भी आपका 50 है, ये भी आपका 50 है, कैट आर डॉग 50-50, मतलब पहला सही है।
अगला देखो, ऑल कैट एंड डॉग, कैट को हम 100 नहीं बना सकते, ठीक है, यहाँ पे आप उसका 100 बना रखा है तो यहाँ पे हो गया रॉन्ग। अब यहाँ देखो, ऑल डॉग आर कैट, अब यहाँ पे आप डॉग को भी देखोगे तो डॉग को हम जो है 100 नहीं बना सकते क्योंकि 50 दे रखा है, हम 100 नहीं बना सकते, ठीक है, यहाँ पर भी 100 दे रखा है डॉग को, तो यह भी गलत। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, उस पर आप जो है काम करेंगे और करके बताएंगे कि आपका पूरा सही होना चाहिए, इस तरीके से आपको उस पर काम करना है, ठीक है, आई होप। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या आएगा, नो चेयर इज टेबल, ठीक है, एक स्टेटमेंट है आपके लिए, नो चेयर इज टेबल, क्या है स्टेटमेंट आपका, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, ये आपका स्टेटमेंट है। कुछ कंक्लूजन भी लिख लीजिए, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे आप इसमें, नो टेबल इज चेयर, पहला नो टेबल इज चेयर। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, सम टेबल आर नॉट चेयर, सम टेबल आर नॉट चेयर। अगला आप इसमें लिखेंगे, सम चेयर आर नॉट टेबल, सम चेयर आर नॉट टेबल, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे, सम कैट आर टेबल, अगला क्या लिखेंगे आप, सम कैट आर टेबल हो गया आपका। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, सम टेबल आर कैट, क्या लिखेंगे आप, सम टेबल आर कैट, ठीक है। अगला अगला आपका क्या है, ऑल टेबल आर कैट, अगला आप क्या लिखेंगे, ऑल टेबल आर क्या लिखेंगे, कैट, ऑल टेबल आर कैट। अगला आप लिखेंगे इसमें, ऑल कैट आर टेबल, अगला आप क्या लिखेंगे इसमें, ऑल कैट आर टेबल, अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, ऑल कैट आर टेबल, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, नो चेयर इज टेबल, तो देखो जो नो वाला होता है ना, ये तो आपका 100 है ही, साथ में जो लास्ट है, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला का जो लास्ट होता है वो भी आपका 100 होता है, ठीक है, ये या आप याद रखेंगे, मैंने अभी बता दिया, आई होप मैंने पहले नहीं बताया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो नेगेटिव है वो तो आपका 100 रहता ही है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में तो आपका लास्ट वाला 50 होता है, लेकिन नेगेटिव में जो लास्ट वाला होता है वो आपका 100 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, नो टेबल इज चेयर, सिंपल सी बात है, अब देखो नो चेयर इज टेबल है तो इसको हम नो टेबल इज चेयर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों 100 100 है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो नो टेबल इज चेयर, और या फिर बोल दो नो चेयर इज टेबल, तो ये पहला बिल्कुल सही है। अगला, सम टेबल आर नॉट चेयर, तो देखो तो जो टेबल है यहाँ पे, जो आप टेबल देख रहे हो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, ये जो स्टेटमेंट है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, कैसे, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज, सॉरी, नो टेबल इज चेयर, ठीक है, क्या लिखा आपने, नो टेबल इज चेयर, ठीक है, बात समझ आए। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब नो टेबल इज चेयर हो गया, तो अब हमने, मैंने आपको क्या कहा था, 100 से हम 50 बना सकते हैं टी के आगे समय, तो टी को हम 50 बना दिया हमने, और सी के लास्ट वाला 100 है तो आपका नेगेटिव है, तो आपका क्या बन जाएगा, तो ये तो 100 हो गया, तो 50 से 100 बनाया जा सकता है, मतलब सॉरी, जो आपका ये जो टेबल दिख रहा है, ये जो टेबल है आपका 100 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो चेयर है ये भी 100 है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला नेगेटिव वाला 100 होता है, टेबल है आपका 100 तो इसे 50 बनाया जा सकता है, चेयर है आपका 100 तो चेयर तो है ही, मतलब ये वाला आपका बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, जो चेयर है ये आपका है 50, टेबल आपका क्या है, नेगेटिव वन के कारण हो गया 100, तो चेयर है आपका 100 है तो उससे 50 बनाया जा सकता है, टेबल आपका 100 है, ये तो ज्यों का त्यों है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, सम सी, अब देखो जाहिर सी बात है, नेगेटिव है तो जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे, वो सारे ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है आपका, कैंसिल आउट, पॉजिटिव है क्योंकि देखो पॉजिटिव का कैसे पता चला, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव नहीं आया है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, तो ये जो चार के चार तो आप ऐसे ऐसे रॉन्ग हो गए, और बाकी के तीन आपके सही हो गए, तो इसका आंसर क्या निकलेगा बोलो, ओनली नहीं आएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, क्या लिखेंगे हम इसमें, थर्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, क्या लिखेंगे हम इसमें, फर्स्ट और लिखेंगे देन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो,
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये, लिख लेंगे आप, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, जितने मैं क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा वो मोर देन सफिशियंट होंगे, ठीक है। बस उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बार बार जो है रिपीट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, उसमें स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट में लिखेंगे आप सम कार्स आर नॉट बसेस, लिखेंगे आप क्या, सम कार्स आर नॉट बसेस, क्या लिखेंगे आप इसमें, सम कार्स आर नॉट बसेस। अब इसके कंक्लूजन लिख लेंगे फटाफट, सम कार्स आर नॉट बसेस, ठीक है। चलिए इसका कंक्लूजन लिखेंगे आप, तो पहला कंक्लूजन आप यहाँ पे लिखेंगे, सम बस आर नॉट कार, क्या लिखेंगे आप, सम बस आर, सम बसेस लिख सकते हैं, सम बस आर नॉट कार। तो इसमें आप ग्रामर वगैरह कुछ मत देखिए, सिंपल ऐसे ही लिखा है सम बसेस आर नॉट कार या सम बस आर नॉट कार। देन सेकेंड आप लिखेंगे नो बस इज कार, सेकेंड आप लिखेंगे नो बस इज कार, सिंपल यही सही है आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए। अगला आप लिखेंगे नो कार इज बस, अगला आप लिखेंगे नो कार इज बस, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल कार आर बस, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल कार आर बस, ठीक है। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बस आर कार, ऑल बस आर कार, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल बस आर कार, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल कार आर बस, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल कार आर बस, अगला आप लिखेंगे ऑल कार आर बस, ठीक है, बात समझ आई। देन आप नेक्स्ट लिखेंगे इसमें सम, अच्छा ये आपका ऑल ऑल 3 जगह हो गया ना, तो इसको आप 2 जगह कर दो, यहाँ पे कर दो आप सम, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे आप सम, क्योंकि ये और ये तो आपका सेम ही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कर दो सम बस, ठीक है, अब हो गया डिफरेंट, सम बस आर, सम बस आर कार, ठीक है, सम बस आर कार। तो ये आपके लिए ये है, ये आपको करना है, ठीक है। तो आप करके बताना है फटिया, चलिए तो फटाफट करके बताइए मुझको। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, सम कार्स आर नॉट बस, पहले तो आप ये देख लो कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव के हिसाब से बसेस हो जाएगा 100 और ये सम के हिसाब से ये कार हो जाएगा 50। तो आपको ये देखना है कि जो कार है इसको 100 नहीं बना सकते और ये बसेस है इसको जो है 50 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ध्यान से देखो, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले सब काट दो, पॉजिटिव वाले ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी, तो ये लास्ट के 4 तो कट गए, आपको 3 में चेक करना है। तो देखो कार को हम 100 नहीं ले सकते, तो 100 देखो कहाँ पर है, यहाँ पे देखो नेगेटिव है, तो कार यहाँ पे 100 है, मतलब ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। कार यहाँ पे जो है नो है, तो ये आपका 100 है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऊपर तो कार 50 है ना, उसको हम 100 नहीं बना सकते, यही हमारी ट्रिक है, 50 को हम 100 नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे सम बस आर नॉट कार, अब यहाँ पे जो आप कार देख रहे हो ना, ये भी कार आपका क्या आ गया, 100 आ गया, और कार जब 100 आ गया तो 50 को 100 नहीं बना सकते, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नॉट फॉलो, मतलब क्या हो जाएगा, नन फॉलो। अब यहाँ पे लिख देंगे इसमें नन फॉलो, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, नन फॉलो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नन फॉलो, या फिर एक तरीका और है, क्या लिखेंगे आप इसमें, नाइदर, 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 अब नाइदर कैसे लगाएंगे, नाइदर तो एक, नाइदर फर्स्ट नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड नॉर थर्ड नॉर फोर्थ नॉर फाइव नॉर सिक्स, इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, तो ये नन फॉलो ही सही है आपका, इस केस में आपका क्या है, नन फॉलो ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये जो है क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपको मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ और वो आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका 5, 5 के से आप हिसाब से आपका स्टेटमेंट बनेगा, देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है, ऑल, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ी जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक साइड कम से कम पूरा ये समझाने के लिए बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं आपको आपके लिए दूसरी स्लाइड ली है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर
फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है पहला स्टेटमेंट क्या बनने वाला है आपका, ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हिसाब से देखो क्या क्या, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, क्या बनेगा देखो, ऑल ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक, बात समझ आए। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आपके आगे, फर्स्ट तो मैंने आपको करा दिया, एक स्टेटमेंट पे कन्फ्यूजन करा दिया, अब आते हैं दो स्टेटमेंट, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अगला आपका क्या गया, ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो ये कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये पांचवा, ये तो आपका स्टेटमेंट है, इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको जो है कम से कम चार क्वेश्चन दूंगा, चार से पांच क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे फाइव के अकॉर्डिंग कंक्लूजन, आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे पहला, सम ग्रेप्स आर एप्पल, क्या लिखेंगे आप, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, क्या लिखेंगे आप, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप इसमें लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, क्या लिखेंगे इसमें आप, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, ठीक है, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम एप्पल, अगला लिखेंगे सम एप्पल आर मैंगो, क्या लिखेंगे आप इसमें, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर सेवन लिखेंगे इसमें, इसका कंक्लूजन, तो इसमें आप लिखेंगे, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, ठीक है। अगला आप लिखेंगे, सम एप्पल आर ग्रेप्स, इसमें आप लिखेंगे, सम एप्पल आर ग्रेप्स। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, सम एप्पल आर ग्रेप्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट लिखेंगे आप इसमें, ऑल एप्पल आर मैंगो, क्या लिखेंगे इसमें, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है। ये आपका क्या है, कंक्लूजन है पहला, ये है सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, ऑल ग्रेप्स आर मैंगो। अगला आप लिखेंगे, ऑल ग्रेप्स आर मैंगो, ऑल ग्रेप्स आर मैंगो, ठीक है, ऑल ग्रेप्स आर मैंगो। तो अगर आप क्वेश्चन से आंसर निकालना, सॉरी आंसर से अगर क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, तो उस दिन आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है, बात समझ आई। चलिए तो अब आपको ये मुझे सॉल्व करके बताना है, तो ये आप देखो ध्यान से, पहले तो पहले हम क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स पॉजिटिव है, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव तो आपका कोई बनेगा नहीं, तो नेगेटिव वाले सारे आपको हटा देने, देखते हैं साहब कौन सा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और कोई नेगेटिव नहीं चाहिए, तो इस इन दोनों को तो हमें चेक नहीं करना, ये क्लियर हो गया। अब ये जो मैंगोज है, क्योंकि इसमें ऑल लगा है तो ये 100 है, एप्पल्स प्लस वाला है तो ये 50 है, यहाँ पे ऑल 100 लगा है तो ये एप्पल यहाँ पे 100 हो गया, और ग्रेप्स आपका हो गया तो कितना हो गया बोलो, 50 हो गया, ठीक है। चलिए तो अभी क्या कह रहा है, ग्रेप्स से एप्पल है, सम ग्रेप आर एप्पल, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पर इस कंक्लूजन को निकालने के लिए किसी स्टेटमेंट की जरूरत है, केवल और केवल सेकंड की, तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल एप्पल ग्रेप्स को सम एप्पल आर ग्रेप्स और सम ग्रेप्स आर एप्पल लिख सकते हैं ना, मैंने बता रखा है आपको, तो यानी पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, सम एप्पल आर एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, तो इसके लिए केवल और केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी का यूज करके हम बना सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से दो का कंक्लूजन निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो ऑल मैंगोज आर एप्पल्स तो है ही आपका, सम मैंगोज आर एप्पल और सम एप्पल्स आर मैंगो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है देखो, सम मैंगोज आर एप्पल और दूसरा क्या है आपका, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो यहाँ पे बनाया जा सकता है, देखो सम एप्पल है तो 100 को 50 लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, ग्रेप्स आपका 50 है, एप्पल्स आपका जो है 100 से 50 बना सकते हैं, मतलब आप सम एप्पल्स आर ग्रेप्स आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, देखो ये आपका 50 है, ये आपका 50 है, तो देखो यहाँ पर एप्पल आपका 50 है तो सही है, 50 है, ग्रेप आपका 50 है, 50 है, बिल्कुल सही है, तो इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो ऑल एप्पल आर मैंगो, तो एप्पल आपका क्या है 100, मैंगो आपका क्या है 50, यहाँ पे देखो ग्रेप आपका कितना हो गया 100 और मैंगो आपका कितना हो गया 50,
और दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन है। देखो ग्रैब आपका कभी हैंडेड हुआ है यहाँ पर? नहीं, हैंडेड नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। ऐसी एप्पल आपका हैंडेड है सही है, मैंगो आपका 50 है बिल्कुल सही है। तो अब देखो एप्पल से आपको मैंगो, तो यहाँ पे क्या देखो, ऑल एप्पल आर मैंगो, तो ऑल एप्पल आर मैंगो क्या बनेगा, क्या बोलो? ऑल एप्पल आर मैंगो बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो हमें केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही चाहिए, और उससे जो है एप्पल को हम 100 नहीं बना सकते। अगर हम एप्पल को 100 नहीं बना सकते, तो ये वाला हमारा जो है कंक्लूजन क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि इसके लिए हमें दो को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल पहले स्टेटमेंट से ही आंसर निकल रहा है, लेकिन हम एप्पल को 100 नहीं लिख सकते। तो इस हिसाब से अब देखो सम एप्पल आर मैंगो, तो देखो सम एप्पल आर मैंगो तो इससे बनाया जा सकता है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो सम मैंगोज आर एप्पल, उसी तरीके से सम एप्पल आर मैंगो, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, यहाँ पे आंसर क्या होगा देखो, यहाँ पे आएगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो, यहाँ पे आपका क्या आएगा देखो, ओनली ओनली सेकेंड फॉलो, यहाँ पे क्या आएगा आपका देखो, ओनली सेकेंड फॉलो। अगला इन दोनों में क्या आएगा देखो, तो ये तो आपका आ जाएगा बोथ फॉलो, क्या जाएगा बोलो? बोथ फॉलो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका आ जाएगा मतलब नन फॉलो। ठीक है, नन फॉलो, यहाँ पे आप लगा सकते हो दूसरे वाला, कौन सा? नाइदर फर्स्ट नॉट फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, नॉर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात आप सभी को समझ आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए कुछ कंफ्यूजन बच्चों को रह जाता है, जैसे सम के केस में, तो सम और सम नॉट कौन से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो सम बॉयज आर इंजीनियर्स, कुछ ऐसे लिखेंगे आप, देखिए सम बॉयज आर इंजीनियर्स, तो इसमें जो सम है ना, देखो सम सम को बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है, और वहाँ पे वो डिफरेंट तरीके ही देता है, सम केवल सम के तरीके से नहीं आता है, वो ऐसे आ जाएगा, देखिए जैसे आ जाएगा नॉर्मल फ्यू। अगला आप लिखेंगे अ फ्यू, फ्यू अ फ्यू, ये सारे सम होते हैं आपके। इसमें आप लिखेंगे एटलीस्ट, आपका क्या गया एटलीस्ट। अगला आप इसमें लिखेंगे एटमोस्ट, ठीक है, अगला अगला आप इसमें लिखेंगे मोर, मैनी, अब मैनी भी तो 99.99% भी तो सम ही होता है आपका, हो गया मैनी। अगला आप इसमें लिखेंगे मोस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे इसमें? मोस्ट ऑफ मतलब पूरा, फिर भी नहीं है, मोस्ट ऑफ। ठीक है, बात समझ आई? अगला आप यहाँ पे लिखेंगे 70% या फिर 90%, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो भी आपका सम में काउंट होगा, और इसी तरीके से आपको इसको सम को बताने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब आप इसका भी देख लो, ऑल को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, ये ऑल, ऑल बॉयज आर इंजीनियर्स, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ऑल बॉयज आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑल, बात समझ आ रही है? अब इस ऑल को इस तरीके से लिख सकते हो ईच, एक तो आपका आ गया ईच, दूसरा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एवरी, ईच आपका क्या हो गया एवरी, और इसको आप अगर 100% लिखोगे तो उसका मतलब भी ऑल ही होता है, या तो ईच मतलब प्रत्येक हर एक, एवरी का मतलब भी ऑल होता है, 100% का मतलब भी आपका क्या होता है, ऑल ही होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? तो ये था हमारे पास आज तक की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ये आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी ये कंटिन्यूस सीरीज जारी रहेगी, और जो 47 चैप्टर्स हैं रीजनिंग में, वो सारे मैं आपको कराऊंगा, SSC के बच्चों के लिए, बैंकिंग के लिए सारा मैं आपको कराऊंगा। मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर्स आप सभी को यहाँ पे KBS की टीम आपको पढ़ा रही है। ठीक है, तो आप सभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जब करा रहे हैं तो कंटिन्यूस करते जाओ, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारा बटन आपके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप आज का लेक्चर तो आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक है, और PDF के लिए और कंटिन्यूस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, साथ ही आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम जो है चैनल है, तो उस पर मैंने अपने नाम से बना रखा है नॉर्मली, सूरज शर्मा के नाम से, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मे बी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, थोड़ा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने वही बताया आपको, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, तो इस पर आप जो है इसको ऐड कर लेंगे, और आपको एक मैसेज करना है आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। देन आपका आ गया यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, देन आपका ये फेसबुक पेज, और देन आपका जो है ये डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है सारे, BSc के जो कर रहे हैं, फॉर्म लिखने का तरीका, करने का तरीका, बैंकिंग क्लासेस,
SSG का मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया है, उसकी भी वीडियोस बनती जा रही है, तो मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप 7, 8, 9, 10th के जो लेक्चर्स हैं वो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं या फिर पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो प्लेटफॉर्म है KBS का नाम ही बताया गया, यहाँ पर हर एक एग्जाम को कवर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम, एंड आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने आपको आपको तैयार करना है, सुबह उठते ही साथ अपने लिए एम सेट करना है और पूरा दिन उस एम को अचीव करने में लगा देना है। आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है,